तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में सौमेन जी और योगिंदर जी के साथ हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक्सेल के अंदर में हम किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में हम आज आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा, अब इसको सम करना है तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है जिससे इसको हम सम कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर भी होता है प्लस, ताकि इन दोनों में हम साइन ये कर लेते हैं, सम कर देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ओके तो जो हमने सम का फॉर्मूला लगाया इनबिल्ड फॉर्मूला है। ये क्या है? इनबिल्ड फॉर्मूला है, जैसे कि आपके फॉर्मूला मेनूबार में होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला गारंटी नहीं है कि आपका हर कैलकुलेशन के लिए होगा। कुछ कैलकुलेशन के लिए हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन के लिए नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर जो कि आप देख पा रहे हैं कि B2 प्लस D2 हमने यूज किया हुआ है। तो ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड पावर, ये होता है। इसी ये तो आप जानते होंगे, ये पावर होता है। शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो आता है, जैसे मुझे 10 स्क्वायर चाहिए तो यहां पे हम 10 पावर ऑफ 2 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 100, 10 पावर ऑफ 2। अब चलिए इसकी मदद से हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट को बाय किया 55 रुपीज में और मैंने उसको सेल किया 62 रुपीज में, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं, तो यहां पे हम मैथमेटिक का सहारा लेंगे। मैथमेटिक कहता है कि बाय माइनस सेल डिवाइड बाय आपका, सॉरी माफ कीजिए गलत कर दिया हमने, हमें करना है सेल माइनस बाय, डिवाइड बाय बाय। तो सेल माइनस और मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 भी करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं, तो इसकी जरूरत एक्सेल में नहीं होती है परसेंटेज के लिए। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, रिजल्ट सही आएगा। सोमन जी रिजल्ट सही आएगा इनके मानने पे? क्यों? प्रॉफिट करना है ना, प्रॉफिट तो जी हाँ, क्योंकि जो कैलकुलेशन सीक्वेंस होता है वो पहले डिवाइड होता है। तो क्या करेगा कि 55 को 55 से डिवाइड कर देगा, रिजल्ट 1 आएगा और C5 में से उसको माइनस कर देगा। तो इसलिए इसको आप चेक करना चाहते हैं कैलकुलेशन परसेंटेज कैसे चल रहा है प्रोसीजर, तो ये आप एवलेट फॉर्मूला मेनू बार में एवलेट फॉर्मूला होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो यहां पे मुझे क्या करना चाहिए, यहां पे करना चाहिए ब्रैकेट्स, आ गया 0.12। अब मुझे यहां पे अब देखिए क्या है, एक्सेल में अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो क्या हो जाएगा? जैसे मैथमेटिक में करते हैं हम 12 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 100 कर देते हैं 12 आ जाएगा। तो एक्सेल में क्या होता है कि जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1273% आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। अब परसेंटेज की बात चली है तो हम बात करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो एक्सेल में परसेंटेज, एक्सेल के अंदर में हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं,
परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि किसका कितना भाग। जैसे मान लीजिए कि 200 का अगर मुझे 10% निकालना है, 10%, तो आप मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में होता है आपका कि 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो आप क्या करते हैं कि 100 से 100 को काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे और बोलेंगे कि 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। देखिए यहाँ पे एक्सेल में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन हम जो डिवाइड बाय जो 100 है ना, इसको नहीं करते, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, तो यहां हम परसेंटेज को परसेंटेज सिंबल में रखते हैं। जिसने मैं बताया कि एक्सेल में 1 = 100% है, अगर 10 नंबर फॉर्मेट में, इस तरह से नंबर फॉर्मेट में है, इसका मतलब क्या है कि वो 1000 परसेंटेज है। तो हमें इसको लिखना होगा 10% सिंबल में, और इसको दोनों को जस्ट क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना। तो परसेंट निकालने के लिए नंबर्स और परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन जो परसेंटेज है वो परसेंटेज फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि नंबर। रिजल्ट आपके सामने आ गया 20, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी ने अगर आपको दे दिया कि भाई मुझे 300 का 25% करना है, तो 25% को परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इजिली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन कभी सिचुएशन हो गई कि नहीं मुझे 25% को परसेंट नहीं करना है, तो हम मैथमेटिकल पार्ट को लेंगे कि दैट इज मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। अब इसमें मैं बोर्ड मास नहीं लगा रहा हूं, क्यों नहीं लगा रहा, लगा भी सकते, क्योंकि अगर हमारा 2500 से डिवाइड हो जाए या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 25 डिवाइड हो जाए, दोनों सिक्वेंस में मेरा रिजल्ट सेम आने वाला है, तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने परसेंटेज निकालना सीखा। अब आपको पता, परसेंटेज पता करना है। जैसे किसी का 600 का पेपर था और 375 नंबर आया, कितना परसेंट आया? तो मैथमेटिक्स कहता है कि अचीव, मतलब जितना आया है डिवाइड बाय फ्रॉम, और उसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 जो है एक्सेल में वर्क नहीं करेगा आपका परसेंटेज में है तो, लेकिन नॉर्मली क्या करेंगे, अचीव मतलब कि हमें कितना आया, 375 आया, डिवाइड बाय हमने क्या किया परसेंटेज, कि आपको आया कितना। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो रिजल्ट आप रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस कि 62 point something आया, इसको डेसिमल इसमें दीजिए तो 63, मतलब कि डेसिमल पे अगर ले जाते दो डेसिमल पे यहाँ पे, तो 62.5% आया हुआ है। तो परसेंटेज हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सर थोड़ा सा बात पाया सर, 600 का कुछ नहीं सर, यहाँ पे मैं जस्ट हमने नंबर जहाँ से आया था और जहाँ से जिसमें से आया, जितना आया था जिसमें से आया था, हम दोनों को डिवाइड कर दिए, ये हमारा परसेंटेज आ गया, ठीक है। इसमें तो बाकी और आगे भी हम करेंगे, अब हम बात करते हैं कुछ और पे, हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो प्रिंसिपल मान लीजिए मेरे पास 50,000 है, रेट मान लीजिए मेरे पास 10% है, और टाइम मान लीजिए 3 साल का है, तो मुझे इसमें अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला मैथमेटिक कहता है, हालांकि एक्सेल में पीवी का फॉर्मूला है, लेकिन हम एक्सेल फॉर्मूले पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो है अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 + r/n पावर ऑफ t। अब आप लोग ये मत समझिए कि सर ने तो मैथमेटिक की क्लास शुरू कर दी,
हमने तो अपनी स्कूल लाइफ में बड़ी मुश्किल से मैथमेटिक्स को झेली है, और सर ने यहाँ एक्सेल में भी मैथमेटिक्स घुसा दिया। तो क्या कीजिए सर, मैथमेटिक्स ही पूरी जिंदगी यदि क्या कीजिएगा, इसमें भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास हर कैलकुलेशन का फॉर्मूला अवेलेबल हो इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए आप जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। तो यहां अब इतना लंबा फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे टुकड़ों में। जैसे हमने इसको किया वन प्लस ब्रैकेट में हमने बोल दिया आर डिवाइड बाई एन, एन 12 है क्योंकि मंथली है, साल में 12 महीने होते हैं ना, इसलिए। उसके बाद फिर ऊपर टी मल्टीप्लाई बाई एन, तो टाइम को लिया और मल्टीप्लाई बाई 12 किया, फिर इन दोनों को हम पावर करते हैं पावर, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया। और इसको फाइनल रिजल्ट लाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कर देते हैं, तो आपके सामने देखिएगा कि 67409 आपके पास आ गया। समझ गए? तो समझ में आया सर। क्या समझ में नहीं आया आपको सर? क्या क्या रिजल्ट आउट है, ये मतलब क्या है, अमाउंट है क्या? हाँ, हमने हमने इस फॉर्मूले को कैलकुलेशन किया। सबसे पहले था 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले को दिया 1 प्लस आर, क्या हमारा बी 9 है, डिवाइड बाई 12 मतलब कि एन इक्वल टू 12 है। फिर टाइम को मल्टीप्लाई किया एन से, तो टाइम मतलब 3 है मल्टीप्लाई बाई 12, फिर इन दोनों का पावर निकाला, फिर जो रिजल्ट है उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया ना सर, सारा कैलकुलेशन कर लिया हमने। अब एक साथ कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम थी क्योंकि आप जो है कुछ चीजें छोड़ सकते थे, अब लेकिन मुझे रिजल्ट तो एक साथ चाहिए ना, पूरा ये फाइनल रिजल्ट चाहिए, लेकिन ये तीन चार कॉलम में जो आ रहा है वो नहीं चाहिए, मुझे एक सेल में चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये जो है सी कॉलम के 12 नंबर और डी 12 कॉलम के 12, डी 12 और सी 12 से लिंक है, तो हमें C12 पे गया और C12 का फॉर्मूला को कॉपी कर दिया, और यहाँ जहाँ C12 है वहाँ पे उसकी फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। ऐसे हम D12 पे जाएंगे और D12 के फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे, और इसमें D12 के जगह पे हम D12 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि ये सारा फॉर्मूला इसके अंदर हमने डाल दिया हुआ है। सेम इसकी फॉर्मूला कॉपी करके और ये यहाँ जहाँ पे हमारा E12 है उसके जगह पे ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, अब इसको कट करके मैं यहाँ लगा सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि ये लंबी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट लगा दें, या मैंने जो मेथड बताया कि तोड़ के एक एक कैलकुलेशन को अलग अलग करके फिर उसको आपस में कंबाइन करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सोमन जी? हेलो, सर समझ में आया आपको कि नहीं? समझ में आया कि नहीं सर? आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, तो काट हो जाता है फिर आ जाता है। आवाज भी आपको ठीक से नहीं आ रही है? योगेंद्र जी मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ यस सर। हेलो सौमेन जी, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, मेरे तरफ से ओके है क्योंकि योगेंद्र जी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम है सर? अब इस तरह से मान लीजिए मैं किसी का कंपनी का कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे COST कॉस्ट है जो कि 50 है, मुझे इसकी MRP निकालनी है। Recording stopped. तो MRP निकालने के लिए हम क्या Recording in progress. कि मैं यहाँ सबसे पहले 50 का 5% निकालूंगा, तो 5% निकालने के लिए बस मल्टीप्लाई बाई 5% हमने कर दिया, फिर इसमें हमने उसको ऐड कर दिया। तो अभी क्या निकला? ये निकला डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर से कंपनी से 2.5% मतलब कि 5% की प्रॉफिट देके खरीदता है।
और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो अपने खरीद पे 10% का कमीशन ऐड करता है और बेच देता है किसको, होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है कि अपने खरीद पर 15% का कमीशन लेता है और खरीद में ऐड करता है और भेज देता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है कि अपने खरीद का 20% निकालता है और अपने खरीद में ऐड करके रिटेलर को दे देता है। तो फाइनली रिटेलर का प्राइस क्या हो गया, 79 रुपीज़ हो गया। बट इस 79 रुपीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमने इतने सारे सेल्स का इस्तेमाल किया। देखिए जैसे मैंने यहाँ एक सेल पे डेटा रखा हुआ है, ऐसे इसको भी मुझे एक सेल पे चाहिए। तो जिस तरह से मैंने इसको मर्ज किया ना, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो क्या करते हैं कि मैं B15 को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जहाँ पे हमारे पास B17 को सॉरी मत कीजिएगा, B17 को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इक्वल कॉपी मत कीजिएगा। और यहाँ जहाँ B17 है इसके जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, हमें इसको डिलीट कर सकते हैं। अब रिजल्ट देखते रहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो कंट्रोल जेड करके दोबारा से कॉपी पेस्ट कीजिए। और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जहाँ D18 था वहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर पेस्ट करेंगे और यहाँ भी हम D18 में ब्रैकेट के अंदर पेस्ट करेंगे और इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ जहाँ E17 है इसके जगह पे इसको हम पेस्ट करते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। वापस इसको हम यहाँ से कॉपी करें और जहाँ F17 यहाँ पे E18 है उसके जगह पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ भी है तो यहाँ भी इसको हम E18 है ना हमारा E18, इसके जगह पे पेस्ट कर देते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और आप देखिएगा कितना लंबा फॉर्मूला बन जाता है। तो जब कैलकुलेशन आप करते हो तो इसका ध्यान आप रखिएगा। F18 पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी हमारा F18 है तो यहाँ भी हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने रिजल्ट निकाल लिया। अब इतनी लंबी कैलकुलेशंस ना आपसे होता और ना ही मुझसे होता, इतनी लंबी कैलकुलेशन ना आपसे होता ना मुझसे होता। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है सर, अब चलिए कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। जैसे हमने कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, मुझे इस नंबर्स में क्या करना है, +20 करना है। बोले सर क्यों सी बड़ी बात है, हम लिए गए हैं और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम +20 कर देते हैं। अब मुझे सब में करना है तो क्या करें, कॉपी पेस्ट करें या इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लें तो भी हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1 +20 है, नीचे ड्रैग करते ही वो A2 हो जाता है, A3 हो जाता है, A4 हो जाता है, A5 हो जाता है। जैसे नीचे आप नीचे ड्रैग करते जाते हैं, आपका जो एड्रेस है सेल का, A2 क्या हो गया, A:2 row, वो इंक्रीज होते जाता है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों होता है। जैसे मैंने आगे ड्रैग किया तो A के जगह पे आप B हो जाएगा, तो ये तो ठीक है, अच्छी चीज है। क्योंकि अगर हमें ऐसा ना होता तो मुझे हर मान लीजिए 1,00,000 डेटा का फॉर्मूला लगाना है तो मुझे 1,00,000 डेटा पे जाना पड़ता। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि अब मैं क्या करता हूं कि D1 में हम 20 ऐड कर दिए, क्योंकि यहां पे क्या है, ये बार बार ड्रैग करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो 20 है D1 से लिंक हो जाए, ताकि हम चेंज करें तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने इसमें A1 +D1 सेलेक्ट करके एंटर कर दिया।
तो आप देख पा रहे हैं कि ए वन प्लस डी वन आ गया। लेकिन जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ए टू तो हुआ, अब डी टू भी हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि मुझे ए वन को ए टू तो करना था बट डी वन को फिक्स रखना था, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो मुझे 20 पूरा में लिखना पड़ जाएगा जो कि सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो यह देखिए हर एक एड्रेस का दो पार्ट होता है, जो कॉलन होता है वो हमारा रो होता है और जो नंबर होता है हमारा सॉरी कॉलन जो करेक्टर होता है वो हमारा रो होता है, जो नंबर हमारा सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, करेक्टर कॉलन होता है और नंबर रो होता है। तो जिसको फ्रीज करना है उसके आगे डॉलर साइन लगा दीजिए। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखेंगे कि ए वन में डॉलर साइन नहीं लगा था तो ए वन ए टू हो गया, ए थ्री हो गया, डी ए फोर हो गया, पर डी वन सब में फिक्स हुआ। तो हमने सिर्फ रो नंबर को हाइट किया, फिक्स किया था, जिस कारण से मैं टॉप टू बॉटम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ तो मेरा डी वन इवन हो जाता है, क्योंकि हमने डी के आगे डॉलर साइन नहीं लगाया था। तो आपको अगर फिक्स करना है रो एंड कॉलम दोनों को तो दोनों तरफ डॉलर लगा सकते हैं। तो जिसको फिक्स करना है अगर डॉलर को करना है कॉलम को करना है तो कॉलम के आगे, रो को करना है तो रो के आगे आप डॉलर का साइन लगा सकते हैं। अभी आप लोग क्या करें, जैसे मैंने आपको भी दो तीन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताए, आप भी कोई भी मैथमेटिक्स उठाइए उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जैसे मैंने किया है ऐसा करने की कोशिश करें। कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फाइल मेनू के हिसाब से, तो कल हम बात करेंगे फाइल मेनू के बीच में जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है।